बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। किसी दोस्त ने एक वीडियो पे कमेंट किया था कि उसके लैपटॉप से कुछ शां शां की आवाज़ आती है। तो एक्चुअली ये सेम केस इस वक्त मेरे पास भी अवेलेबल है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें इसका सलूशन बता देते हैं। मे बी आप लोगों में से काफ़ी लोग ये फेस कर रहे होंगे। एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो फ़ैन होता है ना लैपटॉप का, आपके पास सिंपल पीसी है या लैपटॉप है, दोनों में फ़ैन होता है जो कि हीट को सिंक करता है। हीट को मतलब है कंप्यूटर की जो हीट होती है उसको बाहर की तरफ थ्रो करता है हवा के ज़रिए, या फिर फ्रेश हवा जो है आपके प्रोसेसर वगैरह को प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि उस फ़ैन में डस्ट आ जाती है, या वो ज़्यादा चलने की वजह से उस का बैलेंस ख़राब हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखें, मैं अभी आपको वॉइस सुना देता हूँ, शायद आपको सुनाई दे जाए। आई थिंक आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। तो अगर आपके पास भी इस तरह कोई आवाज़ आती है, फ़ैन की आवाज़ एक्चुअली ये होती है, तो आपने करना क्या होता है, जहाँ से फ़ैन की जो हवा है ख़ारिज हो रही होती, आपने वहाँ से मुंह के साथ जो है ना ज़रा प्रेशर के साथ फोंक मारना है। तो बिल्कुल ये नहीं है कि आपने मुंह को उसके सुराख के ऊपर रखना है, थोड़ा सा हटके आप मुंह रखें और उसमें फूंकें ज़ोर से। लेकिन इस दौरान आप कोशिश करें कि अपने लैपटॉप को ऑन रखें, क्योंकि जब आप फूंकेंगे तो उससे डस्ट तो निकलेगी, थोड़ा सा आपने ख़ुद भी केयर करनी है। तो जब आप फूंकेंगे तो फ़ैन चल रहा होगा तो उससे डस्ट जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी। तो इस तरह करके आपका ये मसला हल हो सकता है। दो तीन बार आपको साइड पे जो है वो कुछ सुराख से नज़र आएंगे जहाँ से हवा खारिज होती है इसकी फ़ैन की, तो वहाँ पे आप इस तरह करें। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता है तो फिर आप इसको किसी रिपेयरिंग वाले के पास लेके जाएं और इसको वो खोलेगा और उसके फ़ैन को क्लियर कर देगा। तो ये मेन जो है रीज़न आवाज़ आने की, शाशा की या कोई भी और आवाज़ आती है जो गैर ज़रूरी सी लग रही हो, प्रॉब्लम कर रही हो आपके लिए, तो वो आप इस तरह क्लियर कर सकते हैं। आई होप के आपका ये मसला हल हो जाएगा, जिस दोस्त ने भी ये कमेंट किया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।